हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एसवा शमसी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं ब्लू स्टार एसी के ऊपर वीडियो। हमारा मेन जो टॉपिक है वो है ब्लू स्टार एसी कूलिंग नहीं करता और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होते हैं। अगर आपके एसी में किसी किस्म का कोई एरर नहीं है और उसके अंदर रेफ्रिजरेंट भी पूरा है, यानी कि गैस उसके अंदर पूरा है, उसके बावजूद भी वो आपका ब्लू स्टार एसी जो है वो कूलिंग नहीं कर रहा, तो सिंपली दो से तीन स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा विद एनिमेशन वीडियोस के। आपने इन चीज़ों को अप्लाई करना है अपने ब्लू स्टार एसी के अंदर, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो एसी है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा और कूलिंग भी बेहतरीन करेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है ये जो फिल्टर हैं जिसे जालियां कहते हैं हम लोग, इनको आपने देखना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करवाना है। अगर ये चौक है, अगर ये जालियों को साफ कर तो तब भी आपका एयर कंडीशनर कूलिंग नहीं करेगा, तो आप इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें। सेंगिड आपने ये करना है कि ये इसका एवोपरेटर है, इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है किसी भी ब्रश के मदद से, और ये स्प्रे भी मार्केट में अवेलेबल होता है, तो आपने इस चीज को अप्लाई करके इसका एवोपरेटर भी क्लीन कर लेना है। और साथ ही उसके बाद आपने आउटडोर को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करवाना है या करना है। अगर आप खुद कर रहे हैं तो इसके जो कंडेंसर है उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें। थर्ड ये है कि आपने आउटडोर के ऊपर कोई कवर रखना है जो सूरज की डायरेक्ट रोशनी उसके ऊपर ना पड़े, ताकि आपका आउटडोर ठंडा रहे, बहुत ज़्यादा हीटअप ना हो। इसकी वजह से भी आपकी कूलिंग के अंदर फर्क आता है जब किसी ओपन जगह पर रखा हो और धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही हो। ये दो तीन स्टेप आप करने के बाद देखेंगे कि आपका एसी बहुत बेहतरीन चलेगा और कूलिंग भी कर रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।